In Delhi. Next question is longest road that is Grand Trunk Road. Your next question state with longest coastline that is Gujarat. Any yani longest coastline. किस स्टेट का है तो वो गुजरात है हालांकि इससे रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन दिया है आप कंफ्यूज हो सकते हो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ सी मैं यहाँ पर एक इंडिया के मैप का वो गुजरात वाला पोर्शन केवल बनाती हूँ तो यहाँ पर ये यह गुजरात वाला पोर्शन है तो इसकी चर्चा कर रहे हैं जो आप देख रहे हो कि बीच में भी एक कट सा जैसा रहता है तो ये भी एक कोस्ट लाइन में आता है यानी यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो जो है सबसे ज्यादा ये और इधर अरेबियन सी पड़ता है इस पूरे एरिया में तो अरेबियन सी के साथ जो इसका ये पोर्शन अटैच होता है वो ही कहलाता है जो है आपका स्पेशली लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो यहाँ मैंने बताया तो उसमें गुजरात है लेकिन एक और क्वेश्चन है जिसमें मैंने साउथ के लिए पूछा है तो वहाँ आप कन्फ्यूज मत होना मैं वहाँ क्लियर करूँगी थोड़ा और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो गंगा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया इज यमुना अब मैं यहाँ भी थोड़ा क्लियर करू ट्रिब्यूटरीज यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है ट्रिब्यूटरीज तो इसे आप कैसे समझते हो ट्रिब्यूटरीज में सिंपली आपको मैं ये दिखा दूँ कि ये समझने के लिए सपोज दैट कि ये हिमालय है माउंटेन और वहां से ये रिवर निकल रही है निकल रही है तो अभी तो ये एक ही रिवर है लेकिन जब सपोज करो इस एरिया से भी कोई एक रिवर निकली यहाँ आते आते वो यहाँ ज्वाइन हो गई तो आप देख रहे हो ये रिवर यहाँ के मिल गई सपोज दैट यहाँ से भी कोई एक पानी की धार निकली स्ट्रीम निकली और यहाँ आकर इसने ज्वाइन कर लिया तो आप देख रहे हो कि पहले तो एक नदी थी लेकिन यहां से भी कोई और रिवर आकर इसके जो है फ्लो को ज्वाइन कर लेती है तो आप देखोगे कि इसके पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो ये मेन रिवर हुई क्योंकि ये रिवर तो बनी ना ये इसमें मिल गई और ये भी मिल गई तो ये मेन रिवर और ये जो दोनों रिवर आप देख रहे हो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हुई अब इसी को आगे ले जाकर मैं डिस्ट्रीब्यूटरी भी समझा दू अब ये नदी आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद यहाँ फिर से कोई माउंटेन मिला और ये जा नहीं पाई पूरा पानी यहाँ से न जा पाया तो कुछ वाटर इधर निकल गए कुछ इधर निकल गए कुछ इधर निकल गए तो आप देख रहे हो कि यही एक रिवर थी और यहाँ आकर ये बट गई तो ये वाला अपर पार्ट जो है ये ट्रिब्यूटरीज है और ये जो लोअर पार्ट में आप देख रहे हो इसका डिविजन दैट इज अब आगे बताऊं द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है रिवर ऑफ इंडिया वो यमुना यानी यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है वैसे गंगा की जो सहायक नदी है सबसे बड़ी वो यमुना ही है और योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ जो साउथ की सबसे लंबी रिवर कंसीडर की जाती है दैट इज गोदावरी गोदावरी रिवर जो है साउथ की जो है सबसे लंबी नदी कंसीडर की जाती है ये आपने पढ़ा भी है साउथ गंगा के नाम से भी हम गोदावरी गोदावरी रिवर को जानते हैं योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइएस्ट माउंटेन पिक दैट इज कंचनजंगा यस इसमें जो कन्फ्यूजन है आप उसको क्लियर रखना क्योंकि कंचनजंगा हमारे यहाँ है और बाकी जो केतु या माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊँची पिक के बारे में आप बात करते हैं वो हमारे यहाँ नहीं है दैट मीन हमारे बॉर्डर के अंदर वाले एरिया में नहीं पड़ता योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट लेक क्या है फ्रेश वाटर का स्पेशली मैं यहाँ पूछ रही हूँ वुलर लेक जो कि कश्मीर में है एक और मैंने लेक के बारे में बात की है बट वो फ्रेश वाटर का नहीं है तो वो आप ध्यान रखना योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट रेलवे रूट फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर जम्मू टू कन्याकुमारी यानी अगर मैं फिर से यहाँ अगर एक मैप जैसा थोड़ा सा क्लियर uh, करूँ कि वैसे तो बहुत फ्री, फ्री हैंड में मैप आपको मैं बहुत अच्छा सा बना के नहीं दे पाऊंगी लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही कुछ इस स्क्रीन पे बनाने की कोशिश करती हूँ सिंपली देख रहे हो, आप हो कि आपको जम्मू दिख रहा है और सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज कन्याकुमारी अब मैं आपको आगे ले चलू नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट uh, क्वेश्चन जो है आपका दैट इज लॉन्गेस्ट टनल यानी सबसे लंबा टनल जो है वो जवाहरलाल नेहरू टनल या जवाहर टनल के नाम से हम जानते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है दैट इज एन एच सेवन और ये जो है सिंपली uh, टर्न्स uh, होती है वाराणसी टू कन्याकुमारी योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट डैम जो कि हीराकुंड डैम कंसीडर किया जाता है जो कि ओडिशा में भी पड़ता है मे भी पड़ता नहीं है सॉरी मैं ही पढ़ता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट रिवर जो कंसीडर आप करते हो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज जो कंसीडर करते हो दैट इज़ महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना में है यस आप इसके लिए कंफ्यूज होते हो कि कहीं ये महात्मा गांधी जी के नाम पे है तो ये गुजरात में तो नहीं है नो no डियर ये पटना में है बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं फिर भी कई बार मैंने देखा है आप कन्फ्यूज रहते हो सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो कि मुंबई है सबसे ज़्यादा ये आप भी जानते हो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी जो है वो मुंबई है जिसमें मैंने यहाँ दे दिया है डेटा एक्चुअली वन पॉइंट सिक्सटी करोड़ पीपल uh, का डेटा मैंने दिया है और नेक्स्ट जो है आप देखो लार्जेस्ट म्यूजियम जो कि नेशनल म्यूजियम हम कंसीडर करते हैं इसका नाम ही नेशनल म्यूजियम जो कोलकाता में है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1814 में और ये सबसे पुराना भी है और लार्जेस्ट भी है ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो कौन सा कंसीडर करते हैं तो सुंदरबन डेल्टा दैट मीन डेल्टा एक पार्ट है जो डेवलप होता है रिवर के द्वारा तो ऑवियसली सुंदरबन डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र नदी ही मेन उसकी जो है कंसीडर आप करते हो तो वो वहाँ जाकर सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करती है जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है जो कि वेस्ट बंगाल में है जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट डोम जो कि गोल जो हम कंसिडर करते हैं जो कि बीजापुर कर्नाटका का है नेक्स्ट है लार्जेस्ट जू या फिर जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा जो जू है इंडिया में दैट इज यहाँ से जियोलॉजिकल

थार राजस्थान में यह पड़ता है हाइस्ट टावर जो कि पीतमपुरा टावर है जो कि डेली में पड़ता है योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मालेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एरिया के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है दैट इज गोवा योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मालेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से वो कौन सा है तो वो सिक्किम पड़ता है योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइएस्ट वाटरफॉल जो कि है जिसका नाम है ये वाला आप अंडरलाइन में रही हूँ और आप इसको लिख लेना गिरसोपा वाटरफॉल जो कि कर्नाटका में है लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन जो है वो कहाँ पर है दिल्ली टू कोलकाता वाया वाया पटना यानी रास्ते में ये लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन है जो कि दिल्ली से कोलकाता है और रास्ते में पटना होकर भी ये गुजरता है योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसेस्ट या फिर डेंसली भी आप इसको कह सकते हो पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है यानी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला सी इसमें थोड़ा सा अंतर होगा जब इसे थोड़ा सा आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी है तो ये घनत्व जिसको हम बोलते हैं इसको डेंसिटी uh, भी हम कह रहे हैं यहाँ पर तो ये लार्ज uh, सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेट स्टेट जो है सबसे ज़्यादा यानी वन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग जो हैं वो वेस्ट बंगाल में हैं योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट केव टेम्पल दैट इज कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा का है जब महाराष्ट्र में पड़ता है योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट एनिमल फेयर ये आप जरूर ध्यान से देख लेना दैट मीन यहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं वो खरीदे बेचे जाते हैं ये फेयर वहाँ लगता है मेला लगता है दैट इज इन सोनपुर बिहार योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइएस्ट गेट वे दैट इज़ बुलंद दरवाज़ा सबसे जो है बड़ा हाइएस्ट ऊँचा जो दरवाजा कंसिडर हम करते हैं बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी आगरा में ये पड़ता है योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगेस्ट होटल दैट इज़ ओबराय होटल भी इसको हम नॉर्मली बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ओबराय सेटन जो कि मुंबई में है State in terms of आप रखना कि किस आधार पे बोला जा रहा है यानी पॉपुलेशन के बिहार पे उत्तर प्रदेश और एरिया के हिसाब से राजस्थान योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस ऑफ हैवीएस्ट है यानी बहुत ज़्यादा रेनफॉल वाला ये एरिया है दैट इज़ मौसिन राम या मऊसिन राम इसके स्पेलिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए मैंने दोनों ही डाल दिया कई जगह आपको मौसिन राम मिल जाएगा कई जगह मौस्य राम मिल जाएगा ये मेघालय का एक ही स्टेट है जो कि खासी हिल पे पड़ता है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलमोस्ट uh, कि वहाँ पर मेघालय की तीन इंपॉर्टेंट हिल है दैट इज़ गारो खासी और जयंतिया तो उनमें से जो खासी हिल है वहीं पर एक छोटा सा ये विलेज है और ये जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है नेक्स्ट है लार्जेस्ट कॉरिडोर दैट इज़ रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर कॉरिडोर का मतलब ये है कि जिसको हम पैसेज बोलते हैं कि सबसे बड़ा पैसेज जो है वो कहाँ है तो रामेश्वरम जो कि टेम्पल है तमिलनाडु में उनका कॉरिडोर उनका पैसेज जो है सबसे बड़ा है या नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट कैंट ब्रिज और ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ये खास आ, कर इसे आप याद ज़रूर कर लो और ये बताने का मोटिव ये था कि ये एक बीम है जो कि सबसे लंबा कैंटो सिंपली ये बीम है जो कि सबसे लंबा बीम होता है उसके लिए यहाँ पर मैंने डाला है लॉन्ग बीम और आ, यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है लिटअ फिक्सड एट ओनली वन एंड यूज इन द ब्रिज कंस्ट्रक्शन यानी इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शंस में बहुत ही लंबा बीम यूज़ किया गया था जो एक साइड फिक्स था और उसके था क्या है ये हावड़ा ब्रिज है जिसको कि एक्चुअली इसका इसको रीनेम कर दिया गया था फोर्टीन जून नाइनटीन सिक्सटी फाइव को ही एज रविंद्र सेतु के नाम से लेकिन फिर भी ये आ, आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट यानी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट स्टेट कौन रखता है फॉरेस्ट वाला एरिया स्टेट कौन सा है दैट इज एम पी मध्य प्रदेश हाइएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम दैट इज भाखड़ा डैम हालांकि मैं इसकी कोई तस्वीर यहाँ नहीं दिखा पा रही हूँ आपको लेकिन मैं आपको बता दूँ आप चाहो तो एक बार नेट से सर्च करके इसके एक फिगर को भी देख लेना बट तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर जो स्ट्रेट ग्रेविटी डैम जो है भाखड़ा डैम जो है ये थोड़ा स्लोपी तरह से बना होता है कुछ इस तरीके से यानी यहाँ पर ये पानी को होल्ड करता है और फिर यहाँ से जब ये पानी जाता है तो फिर इस तरह से इसके फीचर को यहाँ दिखाया गया होगा और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये लार्जेस्ट स्पेशली uh, जो इसको बताने का मोटिव मेरा ये था कि स्ट्रेट ग्रेविटी डैम ये है इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा कुछ uh, स्ट्रेट uh, तरीके से रखी गई है जिससे कि uh, ये इस इसके पानी में बहुत ज़्यादा फ्लो आता है और फिर ये ओबे ये बहुत यूजफुल है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज़ के लिए तो ये uh, जो है हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम भाखड़ा डैम कंसीडर आप करते हो और ये कहाँ है तो सतलज रिवर बिलासपुर और साथ साथ हिमाचल प्रदेश के नार्दर्न जो कि नॉर्दर्न इंडिया का एक पार्ट है वहाँ तक भी आप इसको देखते हो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गोविंद सागर रिजर्वियर्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको ये दिखता है या मिलता है या आप उसे जानते हो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दैट इज़ खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्टेडियम सॉल्ट लेक जो कि सॉल्ट लेक जो है लार्जेस्ट स्टेडियम हम कंसीडर करते हैं सॉल्ट लेको लेक उसका नाम है इसको हम युवा भारती भी कहते हैं जो कि कोलकाता में है उसके बाद है लार्जेस्ट पोर्ट जो कि मुंबई का है लार्जेस्ट चर्च जिसको कि हम संत सेंट कैथेड्रल चर्च भी कहते हैं गोवा का है ये लॉन्गेस्ट बीच जो है दैट इज इन मरीना बीच जो कि चेन्नई में है हाइएस्ट बेटल फील्ड दैट इज सिया ग्लेशियर और इसके बाद में आपको यहाँ दिखा दूँ इसके अलावा जो चीजें हैं वो आप देख लो हाइएस्ट एयरपोर्ट जो है वो लद्दाख का एयरपोर्ट कंसिडर करते हैं लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है दैट इज मजूली यानी नदी के द्वारा बना हुआ ये आइलैंड है और इसे हम मजूली के नाम से जानते हैं क्या थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर तो मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ आपको और आप देखो सपोज दैट देख ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जब इंडिया में घुसती है जो कि तो फिर जब आगे बढ़ती यानी बांग्लादेश में जाने से पहले ये यहाँ पर तो थोड़ी दो में बढ़ती और फिर यहाँ से आकर फिर यहाँ जुड़ जाती है तो ये बीच का जो पार्ट है यही है मजूली आइलैंड क्योंकि इसके चारों तरफ पानी हो जाता है और ये नदी के पानी से घिरा हुआ है इसीलिए इसको रिवराइन आइलैंड भी कहते हैं